हेलो पिलामाने, मधुआप्र इतिहास एवं राजनीति विज्ञान श्रेणी को मु तुममानंकु स्वागत करुछि। पिलामाने, पूर्व श्रेणी रे आमे पढ़िथिले तुमर इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर भारत रे विज्ञान और वैषयिक ज्ञान रा विकास पाठटी। तेबे चालो देखिबा आमे कौन सब आलोचना करथिले। आमे पढ़िथिले भारत रे मध्यवर्ती कालीन सरकार गठन हेबा परे भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंकर शासन अवधि बा जहाँ को आम नेहरू जुग रूप से जानिछे। तत्परे परे आम आलोचना करथिले भारत रे विज्ञान वैषयिक शिक्षा तथा गवेषणा व्यवस्था पई नेहरू कौन सब उन्नतिमूलक पदक्षेप मान नहीं। तत्परे परे आम आलोचना करथिले कृषि एवं शिल्प क्षेत्र रे विज्ञान रो किपरि उपयोग करा जायथिला एवं एहार अग्रगति विषय रे। तेबे चालो पिला माने आगोकु बढ़िबा। आज आमे पढ़िबा भारत रे परमाणु शक्तिर विकास विषय रे। 1948 मसिया अगस्ट मास रे आमर भारत सरकार परमाणु शक्ति आयोग गठन करथिले। विशिष्ट वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाबा एहार अध्यक्ष रूप से नियुक्त होइथिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपलब्धि करथिले परमाणु शक्ति भारत रे सामाजिक आर्थनैतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र रे वैप्लविक परिवर्तन आनी पारिबो एवं भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करि पारिबो। एही परमाणु शक्तिर विकास एवं एहार उपयोग करिबा पछरे नेहरूंकर कौनसी प्रकार कौनसी देश को विश्ववासींकु भयभीत करिवार उद्देश्य नथिला। बरम तांकर उद्देश्य थिला एही परमाणु शक्तिर विकास करा जाई आम देश रे शांतिमूलक भावे जनहितकर कार्यमान करा जाई पारिबो। 1954 मसीहारे भारत रे एक स्वतंत्र परमाणु शक्ति विभाग खोला गला। 1956 मसीहारे मुंबई स्थित ट्रम्बे ठारे भारतर प्रथम आणविक रिएक्टर प्रतिष्ठा करा जायथिला। 1956 मसीहारे ट्रम्बे ठारे भाबा आणविक गवेषणा केंद्र प्रतिष्ठित करा गला। पिला माने जहाँ को आमे संक्षेप रे बार्क बोली कहू। भाबा आणविक गवेषणा केंद्र बा भाबा आटोमिक रिसर्च सेंटर भाबे आमे एहाकु जानिछु। एहा हेउची भारतर सर्वबृहत आणविक गवेषणा केंद्र। पिला माने भाबा आणविक गवेषणा केंद्रर अधीन रे आमर अनेक गुडिये रिएक्टर कार्यक्षम होइथिला। चालो देखिनबा अप्सरा साइरस जेल्लिना ध्रुव पूर्णिमा प्रथम पूर्णिमा द्वितीय कामिनी। एही रिएक्टर गुड़िक भाबा आणविक गवेषणा केंद्र अधीन रे कार्यक्षम करा जायथिला। भाबा आणविक गवेषणा केंद्रर तत्वावधान रे आमर भारतर पश्चिमबंग काश्मीर एवं कर्णाटक रे अनेक गुड़िए गवेषणा केंद्र मान प्रतिष्ठा करा जायछि। सेही परी 1984 मसिया रे इंदौर ठारे उन्नत वैषयिक ज्ञान केंद्र नामक एक गवेषणा संस्था मध्य प्रतिष्ठा करा जायछि। वर्तमान पिला माने आमे देखिबा भारतर परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षण विषय रे। भारत ताहार प्रथम परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षण करथिला 1974 मसिया मई मास 18 तारीख रे। पिला माने एही परीक्षणटी करा जायथिला राजस्थान रो पोखरान ठारे एवं एहार नाम रखा जायथिला ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। कारण सेही वर्ष बुद्ध पूर्णिमा दिन एही परीक्षणटी करा जायथिला। पिला माने जहाँ कि तुम्हें चित्र रे देखि पार्छ एही समय रे भारतर प्रधानमंत्री थिले श्रीमती इंदिरा गांधी। एहा परे आमे आलोचना करिबा भारतर द्वितीय परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षण विषय रे। भारत ताहार द्वितीय परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षण करथिला 1998 मसिया मे मास 11 एवं 13 तारीख रे। एही परीक्षणटी मध्य राजस्थान रो पोखरान ठारे करा जायथिला। पिला माने एही ऑपरेशनटीर नाम रखा जायथिला ऑपरेशन शक्ति। तुम्हें जानिछ एही समय रे गोटिए नुहे दुईटे नुहे एकाथर के पांचटी परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षण करा जायथिला। एही समय रे भारतर प्रधानमंत्री दायित्व रे थिले श्रीजुक्त अटल बिहारी वाजपेयी। जहाँ कि पिला माने तुम्हें चित्र देखि पार्छ आमर द्वितीय एवं तृतीय चित्र जहाँ परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षण रे चित्र। एही समय रे आमर जने सुनाम धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जहाँ को कि आमे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रूप से जानुछे से एक स्वतंत्र टीम गठन करथिले। एही टीम एही परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षण करिबा पई अनेक कष्ट सहिछि। काहीकि कारण एही समय रे अमेरिकार CIA बा अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी भारत उपरे कड़ा नजर रखिथिला।
चारोटी सैटेलाइट को व्यवहार करी से भारत गतिविधि को लक्ष्य करूथिला। तेणु वैज्ञानिक माने एवं सेमानकर स्वतंत्र टीम एही समय रे एही परीक्षण करिबा पई आर्मी रो स्वतंत्र पोशाक पिंधिथिले। भारतीय सेना बाहिनी सेमानकु एही कार्य रे अत्यंत सहयोग करथिले। सेमाने परस्पर मध्य रे कोड लैंग्वेज रे कथाबार्ता करथुले एवं समस्तंकु गोटे गोटे कोड नाम मध्य जाय जायथिला। जेहिपरी आमर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करो कोड नाम थिला कर्नल पृथ्वीराज। पिलामाने एही परीक्षणटी करिबा आम पई अत्यंत कष्टसाध्य थिला। तथापि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को कोनोसी प्रकार सुरक न देई अत्यंत गोपनीय भाबरे सफलतार सहित एही परीक्षणटी करा जाई पारथिला। पिलामाने तुमे जानिछ एही परीक्षण जो करा जाई थिला एहा पछरे भारत सरकारंकर कोनोसी प्रकार विश्ववासींकु भयभीत करिवार कोनोसी लक्ष्य नथिला। बरम तांकर मुख्य उद्देश्य थिला परमाणु शक्तिकु व्यवहार करी आमर भारतर जनसाधारणक पई किछि मंगलकारी कार्य करिबा। अद्यावधि ए दिगरे आमर भारत सरकारंक गवेषणा चालू रहिछि। वर्तमान पिला माने आमे आलोचना करिबा भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा विषयरे। 1962 मसीह चीन भारत युद्ध विषय आम समस्ते अवगत अच्छु। यही समय रे चीन भारतर एक स्वतंत्र स्थान जहाँकि अक्साई चीन नाम परिचित ताहा अधिकार करनेला। समय रे भारतर सैन्य बाहन दुर्बलता विषय आमर भारत सरकार तथा भारतीय जनता जा सारी। तेणु भारतीय प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने आमर मुख्य लक्ष्य था। सोभियत रुषिया सहायतार सामरिक प्रजुक्ति विद्या को भारत में विकसित कर 1958 प्रतिरक्षा गवेषणा और उन्नयन संगठन जहाँ को कि आम संक्षेप डीआरडीओ बोली जानूछे डिफेन्स रिसर्च डेवलपमेंट अर्गानाइजेसन प्रतिष्ठा कर देशर निरापत्ता व्यवस्थार मूल भित्ति को सुदृढ़ करवा डीआरडीओ रो मुख्य लक्ष्य। 1983 मसीह रे एकीभूत नियंत्रित क्षेपणास्त्र कार्यक्रम गुड़िक आरंभ करा जायथिला। एही कार्यक्रम माध्यम रे अग्नि पृथ्वी धनुष आकाश त्रिशूल नाग सूर्य ब्रह्मस प्रभृति क्षेपणास्त्र रो विकास करा जायथिला। एही सब क्षेपणास्त्र रो परीक्षण केउठारे करा जायथिला जानिछ? एहार परीक्षण करा जायथिला आम ओडिसा रो चांदीपुर ठारे थिबा क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र निकटरे। पिला माने चालो देखिने बा ए क्षेपणास्त्र गुड़िक अग्नि पृथ्वी धनुष आकाश त्रिशूल नाग सूर्य ब्रह्मस। पिला माने एही क्षेपणास्त्र गुड़िक गोटिए परे गोटिए परीक्षा करा जाई आमर सेना बाहिनी रे शामिल करा जायथिला। डीआरडीओ भारतर प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन एवं सेगुड़िकर गुणवत्ता परीक्षण दिगरे अनेक प्रशंसनीय कार्यक्रम मान करिछि। जेहिपरी आमर आकाशवाहिनी बा एयरफोर्स पई अति उन्नत मानर युद्ध विमान मान आमर वैज्ञानिक माने तयारी करिवारे सफल होइछन्ती। सेहिपरि भाबरे आमर नौवाहिनी बा नेवी पई आवश्यकीय जलजहाज बुड़ाजहाज एवं अनेक उन्नत मानर जंत्रपाति मध्य आम भारतरे तयारी करा जाय पाछि। सेहिपरि भाबरे आमर प्रतिरक्षा बा डिफेन्स पई व्यवहृत होइथिबा जानवाहन गोला बारूद एवं विभिन्न प्रकार वैद्युतिक जंत्रपाति मध्य आम भारतरे तयारी करा जाय पारुछि। आमर बालेश्वर जिल्लार चांदीपुर ठारे थिबा क्षेपणास्त्र केन्द्र एवं निकटस्थ हुइलर द्वीप ठारे एही सबु क्षेपणास्त्र मानंकर परीक्षा करा जाय। वर्तमान पिला माने आमे आलोचना करिबा आम भारतर महाकाश गवेषणा विषयरे। 1962 मसीह रे भारतर महाकाश कार्यक्रम आरंभ होला। सेही वर्ष भारतीय जातीय समिति नामक गवेषणा केन्द्र स्थापन करा जायथिला। 1969 मसीह रे भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन जहाँ कि आम संक्षेप जानूचे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च अर्गानाइजेसन प्रतिष्ठा करा जायथिला। 1972 मसीह रे महाकाश आयोग प्रतिष्ठा करा जायथिला। पिला माने 1963 मसीह रे रॉकेट गुड़िकर उत्क्षेपण पई आमर केरल रो थिरुअनंतपुरम नामक स्थान रे एक रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र प्रतिष्ठा करा जायथिला एवं एहार नाम रखा जायथिला थुम्बा विसुबिय रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र। सेही परि भाबरे आमर उपग्रह गुड़िकर प्रेरण पई मध्य आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोटा ठारे उपग्रह प्रेरण केन्द्र प्रतिष्ठा करा जायछि।
पिलामाने एही सबु उपग्रह गुड़िक सहित आमर जोगाजोग तथा संपर्क स्थापन करिबा पई आमर महाराष्ट्र आरोबी ठारे एक उपग्रह जोगाजोग केन्द्र स्थापन करा जायछि। विक्रम सराभाई महाकाश केन्द्र आमर प्रतिष्ठा करा जायछि आमर प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम सराभाईक द्वारा। 1975 एप्रिल मास 19 तारीख रे भारत तयारी प्रथम कृत्रिम उपग्रह को अत्यंत सफलतार सहित आमर महाकाश को प्रेरण करा जायतिला। पिला माने चित्र देखि पर्छ, एहा हेउची भारतर प्रथम कृत्रिम उपग्रह बा सैटेलाइट, एहार नाम रखा जायतिला आर्यभट्ट। एहा परे आमर 1979 जून मास 7 तारीख रे आमर भास्कर प्रथम नामक अन्य एक कृत्रिम उपग्रह महाकाश को प्रेरण करा जायतिला। सही परिभावरे एही दुईटी उपग्रह आर्यभट्ट एवं भास्कर प्रथम को प्रेरण करिबा पई आमर सहायता निया जायतिला रूसिया रे थिबा बैकानूर रो उत्क्षेपण व्यवस्थार। पिला माने तत्परे परे 1981 मसिया जून मास 19 तारीख रे आमर प्रथम जोगाजोग बा संपर्क स्थापन करिबा पई एक उपग्रह प्रेरण करा जायतिला एवं एहार नाम थिला आपल। पिला माने एही सब उपग्रह गुड़िक स्थापन करिबारे भारत स्थापन करिबारे एवं प्रेरण करिबारे भारत सर्वदा सफलतार सहित कृतित्व अर्जन करछि। तुम्हें जानिछ पिला माने भारत रे वैज्ञानिक गवेषणा महाकाश गवेषणा पई एवं प्रशिक्षण पई अनेक गुड़िए प्रतिष्ठान मध्य करा जायछि। तत्सहित वैदेशिक उपग्रह प्रेरण व्यवस्थार बिना सहायता रे वर्तमान भारतर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा ठारु आमर उपग्रह गुड़िक महाकाश को प्रेरण करा जाय पारछि। वर्तमान सुधा 50 अधिक कृत्रिम उपग्रह बा सैटेलाइट गुड़िक महाकाश को प्रेरण करिबारे भारत सफलता अर्जन करिछि। पिला माने आमे देखिबा एही सब उपग्रह गुड़िक आम पई किपरि उपयोगी होउछंती। जोगाजोग तथा पानी पागर पूर्वानुमान पई एही सैटेलाइट गुड़िक आम पई उपयोगी होई पारछंती। तत्सहित देश में उपलब्ध वैषयिक ज्ञान एवं कौशल को व्यवहार करा जाय आमर समस्त क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन अणा जाय पारछि। जेपरिकी आमर खाद्य शस्य एवं अन्यान्य खाद्य सामग्री उत्पादन क्षेत्र में वर्तमान भारत स्वावलंबी हो पारछि। सेहिपरि भावरे शिल्प क्षेत्र में वर्तमान भारत पारदर्शिता लाभ करछि। सेहिपरि शक्ति क्षेत्र में मध्य भारत स्वावलंबनशीलता हासिल करि पारछि। भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र में मध्य स्वदेशी ज्ञान को व्यवहार करि अनेक प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन करि पारछि एवं एक शक्तिशाली राष्ट्र रूपे पृथ्वी रे से सुनाम धन्य हो पारछि। महाकाश गवेषणा सामुद्रिक विज्ञान गवेषणा तथा परिवेश विज्ञान संपर्क में ज्ञान आहरण करने तहार विनियोग अद्यावधि आमर प्रचेष्टा जारी रही। पिलामाने एठारे आमे लक्ष्य करिबा जे भारत रे थिबा समस्त राज्य सरकार माने मध्य ए दिगरे प्रचेष्टा जारी रखिछंती। से माने विज्ञान तथा वैषयिक ज्ञानर विकास पई अनेक गुडी प्रतिष्ठान तयारी करछंती जद्वारा कि आमर भारतर मानव संबल दक्ष होई पारछि एवं प्रशिक्षित होई पारछि। तेबे पिलामाने चालो देखिनेबा आज आमे कोन आलोचना कले। आमे आलोचना कले भारत रे परमाणु शक्तिर विकास विषय रे, भारत में प्रतिरक्षा गवेषणा तथा महाकाश गवेषणा विषय आलोचना कले। वर्तमान यही आलोच्य विषय उपर आम कि गुड़े प्रश्न उत्तर अभ्यास करे। भारतर प्रथम आणविक रिएक्टर केउठारे प्रतिष्ठा करा जायतिला। पिला माने कहि परिबो भारतर प्रथम आणविक रिएक्टर केउठारे स्थापन करा जायतिला। सठिक ट्रम्बे। द्वितीय प्रश्न को जीवा भारतर सर्वबृहत आणविक गवेषणा केन्द्र नाम कौन। पिला माने मन पकाओ जड़े सुनामधन्य वैज्ञानिकों नाम आम पढ़ी नाम अनुसार भाबा आणविक गवेषणा केन्द्र। तृतीय प्रश्न को जीवा भारत तार प्रथम परमाणु बोमा विस्फोरण परीक्षा केबे करिथिला। पिला माने मन पकाओ आम चित्र देखी थिले भारत तार प्रथम परमाणु बोमा विस्फोरण केबे करथिला 1974 मसिया मई मास 18 तारीख रे। चतुर्थ प्रश्न को जीवा पिला माने
क्यों राज्य में थुम्बा विषुवीय रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र प्रतिष्ठा कर रॉकेट गुड़िकर उत्क्षेपण क्यों राज्य में कहीपर बढ़िया केरल केरल राज्य में आम रॉकेट उत्क्षेपण थुम्बा विषुवीय रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र प्रतिष्ठा कर पंचम प्रश्न को जीवा केबे भारतर प्रतिरक्षा गवेषणा और उन्नयन परिषद गठन कर पाने डीआरडीओ केबे गठन कर ठीक कही च 1958 मसीहारी आसंता प्रश्न को जीवा षष्ठ नंबर प्रश्न भारतर प्रथम कृत्रिम उपग्रहर नाम कौन पिलामाने आमे चित्र देखी थिले भारतर प्रथम कृत्रिम उपग्रहर नाम कौन थिला ठीक कही च आर्यभट्ट सप्तम प्रश्न को जीवा भास्कर प्रथम उपग्रह प्रेरण पाई क्यों देशर सहायता निया क्यों देश आमको सहायता जोगाई दिया जाइथिला कही परिबो आमर मित्र राष्ट्र ठीक कही च सोवियत रूसिया आसंता प्रश्न को जीवा पिला माने भारतर केउठारे रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र प्रतिष्ठित होइथिला कही परिबा भारतर केउठारे रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र प्रतिष्ठा करा जाइथिला ठीक कहिच आंध्र प्रदेशर श्री हरिकोटा ठारे आसंता प्रश्न को जीवा क्षेपणास्त्र परीक्षा पाई ओडिशार केउठारे एक क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र प्रतिष्ठा करा जाइछि मन पका पिला माने ओडिशार केउठारे अछि ठीक कहिच बालेश्वर जिल्लार चांदीपुर ठारे बालेश्वर जिल्लार चांदीपुर ठारे वर्तमान दशम प्रश्न आम शेष प्रश्न को जीवा केबे केरल थिरुवनंतपुरम ठारे एक रॉकेट उत्क्षेपण केन्द्र प्रतिष्ठा करा जाइथिला कहि परिबो पिला माने ठीक कहि छ 1963 मसीहारे तेबे पिला माने आज पई एतिकी थैंक यू बाय बाय।